नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे शिवजी महाराज के मंदिर तुंगनाथ जी के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, इसे तुंगनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित इस मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 3,700 मीटर की ऊंचाई है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार, तुंगनाथ, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लोगों का मानना है कि इसी स्थान पर शिवजी पूजा रूप में विद्यमान हैं, इसलिए प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर बहुत कहानियां मशहूर हैं। इसका निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। जब महाभारत युद्ध में नरसंहार से शिव पांडवों से रूस गए थे तो उन्हें खुश करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुंगनाथ के पास तपस्या की थी। चंद्रशिला के दर्शन के बिना तुंगनाथ मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर में कुछ ही दूरी पर चंद्रशिला का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ रावण शिला है जिसे स्पीकिंग माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत को लेकर ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपने आप को बड़ा दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित था और शिव जी का परम भगत था। रावण मरने के बाद पापों से मुक्ति के लिए यहीं पर भगवान राम ने शिवजी महाराज की पूजा की थी, तब भोलेनाथ ने राम को मुक्ति का वरदान दिया था। बर्फ, मखमली घास, रंग बिरंगे फूल और बादलों की धुंध से घिरा ये क्षेत्र आपको बड़ा ही मोहित कर देगा। जनवरी फरवरी में तो यहाँ सिर्फ बर्फ की चादर ही दिखाई देती है, इसीलिए इस जगह को लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर महादेव और पार्वती जी को समर्पित है। कहा जाता है कि मंदिर की खोज 18वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य ने की थी। मंदिर के साथ ही यहाँ आसपास की सुंदरता देखने वाली है। लोग सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अद्भुत पर्वत पर बसा है ये बाबा शिव का मंदिर। मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती की है कि इसे पांडवों ने भगवान शिव को खुश करने के लिए बनाया था। तुंगनाथ मंदिर के आसपास नवंबर के बाद से ही बर्फ का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। जहाँ तक नजरें जाती है, मखमली घास और पर्वत और आसपास की बर्फ देखकर यूं लगता है कि मानो पूरी जमीन पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। यह नज़ारा इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। 4 जुलाई से सावन है जो कि रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। सावन में भगवान भोलेनाथ की स्पेशल आराधना की जाती है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, कई प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जगह भगवान की आस्था में भक्तों का शिव मंदिर में लाइन लगी रहती है। भोलेनाथ के कई मंदिर तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सावन के मौके पर केदारनाथ से लेकर बाबा विश्वनाथ और महाकालेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हालांकि अगर इस
सावन के मौके पर आप किसी अद्भुत और दिव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाबा शिव का तुंगनाथ मंदिर है। मान्यता है कि तुंगनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था, जो भगवान शिव को खुश करने के लिए उनकी आराधना की गई थी। तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए यात्री उखी मठ के रास्ते से जाते हैं, जहां उन्हें सड़क मार्ग के जरिए मंदाकिनी घाटी में प्रवेश करना पड़ता है। आगे बढ़ने पर अगस्त मुनि नाम का एक छोटा सा शहर मिलता है, जहां से हिमालय की नंदा घाट चोटी देखने को मिलती है। इसके अलावा चोपता से तुंगनाथ मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। बस से चोपता पहुंचकर मंदिर तक आप पैदल जा सकते हैं। नवंबर के बाद से इस स्थान पर बर्फबारी होने लगती है और मंदिर बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई और अगस्त का है। इस महीने में यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ की हरियाली देखकर लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद बाबा का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। आप लोगों को हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आगे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। नमस्कार। जय भोले बाबा।